दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत के बारे में वहाँ की खूबसूरती की जमकर तारीफ करने वाले लोग भी बहुत कम जानते हैं। वैसे तो दोस्तों तिब्बत एक खूबसूरत जगह है, लेकिन जब आप यहाँ का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि यह जगह अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने इतिहास के लिए आकर्षण का केंद्र है। तिब्बत से जुड़ी अनेकों बातें ऐसी हैं जो शायद ही आपको पता हो, जैसे कि तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। आइए जानते हैं तिब्बत से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। दोस्तों, आपने अपना टीनेज का समय कैसे गुजारा है? या तो आपने वीडियो गेम्स खेले होंगे या अपना अधिकांश समय पढ़ने में लगाया होगा। पर क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो सिर्फ 15 साल की उम्र में दुनिया की सबसे खतरनाक सेना से दो दो हाथ कर रहा था? वो शख्स था दलाई लामा। दलाई लामा का नाम लिए बिना तिब्बत के बारे में कुछ भी जानना नामुमकिन है। ये साल था 1950 और दलाई लामा केवल 15 साल के थे जब उन्हें चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ा। वो जानते थे कि शायद वो जीत नहीं पाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 10 साल लंबे चले संघर्ष के बाद अंत में दलाई लामा को भारत और नेपाल में शरण लेनी पड़ी। तब से अब तक दलाई लामा और 1.5 लाख तिब्बती आज तक प्रवासियों की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। लेकिन क्या यहीं पर तिब्बत का स्वर्णिम इतिहास खत्म हो जाता है? नहीं, तिब्बत में लोगों ने वापसी शुरू कर दी है, लेकिन चीन की राष्ट्रीयता का मसला आज भी उनके सामने वैसे ही खड़ा है। तिब्बत के लोगों ने तिब्बत को दोबारा बसाने की कवायद शुरू कर दी है। तिब्बत से भी ज़्यादा कमाल के तिब्बत के लोग हैं। तिब्बत में रिसाइकल नाम के किसी भी शब्द के प्रयोग से पहले चीज़ों को रिसाइकिल किया जा रहा है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार आपके पास जो कुछ भी मौजूद है वो बहुत सारे लोगों को प्राप्त नहीं है, या बहुत सारे लोगों द्वारा उसके लिए दुआ मांगी जा रही है, और ऐसे में अगर आप उसे बर्बाद करते हैं तो वो एक महापाप है। इसीलिए उनके द्वारा किसी भी चीज़ को बिना रिसाइकल का टैग दिए हुए उसे दोबारा प्रयोग किया जाता है। यही चीज़ें तिब्बत को खास बनाती हैं। तिब्बत को और भी खास बनाता है उसे दुनिया का थर्ड पोल कहा जाना। दोस्तों, आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि तिब्बत को दुनिया का थर्ड पोल कहा जाता है? दुनिया का थर्ड पोल एशिया के तकरीबन 1.35 बिलियन लोगों को पानी सप्लाई करता है, और यह भी कहा जाता है कि यह पानी दुनिया के 47% लोगों तक पहुँचता है। यानी कि यह भी हो सकता है कि जो पानी आप या हम पी रहे हैं वो वहीं से आ रहा हो। दोस्तों, अगर आप तिब्बत जाने की सोच रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि तिब्बत जाते ही आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन आपको अपने आसपास के तिब्बती लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त नजर आएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि इतनी ऊंचाई पर आपको रहने का अनुभव नहीं है, जबकि तिब्बत में रह रहे लोग हजारों सालों से समुद्र से 14,800 फीट की ऊंचाई पर रह रहे हैं। अब ऐसे में इनके शरीर की इम्यूनिटी इतनी शानदार है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वैसे अगर आप कभी तिब्बत जाते हैं तो अपने साथ सिकनेस की टैबलेट्स तो रखें ही, साथ ही कुछ ट्रेन से जुड़े एडवेंचर्स के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है दुनिया की सबसे ऊंची सी लेवल पर बनी ट्रेन। ये ट्रेन एक पॉइंट पर सी लेवल से तकरीबन 5700 मीटर से अधिक ऊँचाई पर होती है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। क्योंघाई तिब्बत रेलवे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में खास तौर पर विकास करने की कोशिश की है ताकि वो दुनिया की नज़रों में अपनी एक अच्छी छवि पेश कर सके। तिब्बत की सिक्योरिटी के लिए चीन बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहता है, इसीलिए तिब्बत का एक वियर्ड रूल जानकर भी आप बहुत हैरान होंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप तिब्बत में अकेले जा रहे हैं तो आप तिब्बत नहीं घूम सकते। अगर आप तिब्बत घूमना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस प्राप्त गाइड या ड्राइवर होना अनिवार्य है। हालांकि आप थोड़ा अधिक पैसा खर्च करके ट्रैवल एजेंसी के जरिए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ऐसे में आपको अकेले में घूमने की आज़ादी मिल जाएगी। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये नियम थोड़ा हार्ड लग रहा हो, पर अगर 100 साल पीछे जाएंगे तो उस समय तिब्बत में कोई भी टूरिस्ट या कहा जाए कि फॉरेनर अलाउड नहीं था। साल 1924 में अलेक्जेंड्रा डेविड नील वह पहली महिला बनी जो कि तिब्बत तक पहुँची। हालांकि उन्हें तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एंट्री के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और बाद में उनके फेथ को देखकर अलाउ किया गया था, जिससे आगे आने वाले फॉरेनर्स के लिए भी रास्ता तैयार हुआ। इस ट्रिप के लिए अलेक्जेंड्रा को तकरीबन 19,000 फुट की ऊंचाई चढ़नी पड़ी थी, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। अब तिब्बत के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अंत में ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिससे हमें यानी कि भारत को
तिब्बत के कुछ हिस्से को खोना पड़ा था। वैसे तो ये भारत में कभी था ही नहीं, लेकिन यहाँ की संस्कृति को देखकर यही कहा जा सकता है कि इसे भारत में होना चाहिए। तिब्बत के खोने की कहानी साल 1950 से शुरू होती है। ये वो समय था जब भारत और चाइना आज़ादी की लड़ाई को ख़त्म करके विकास की राह पर चलने वाले थे। भारत शुरू से तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता रहा है और अंग्रेजी हुकूमत के समय उसका कुछ हिस्सा भारत में भी था, लेकिन अंग्रेजों के बाउंड्री बनाने के बाद वो हिस्सा भी भारत से अलग हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये बाउंड्री असल देश की बाउंड्री ना होकर अंग्रेजों के द्वारा अपनी सहूलियत के लिए बनाई गई एक रेखा थी। 1914 के शिमला समझौते के तहत मैकमोहन लाइन को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया, लेकिन 1954 में नेहरू और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। हालांकि नेहरू ने सिर्फ 8 साल के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, लेकिन वाजपेयी ने इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की थी, जिसके बाद धीरे धीरे चीन ने पूरी तरह से तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आप तिब्बत के इतिहास की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।